यानी anyway, वही एक नतीजा आया है सीएसबी बैंक का सर जी जरा उस पर चर्चा कर दें चौथी तिमाही में बैंक ने जो नतीजा पेश किया उसमें आमदनी सालाना आधार पे 25 परसेंट बढ़ के आई है वही प्रॉफिट में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला एन में राइज है 1.47 परसेंट बढ़ के आ गया है अब तो कैसे नतीजे और एसेट क्वालिटी में दिक्कत क्यों आ रही है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणय मॉंडल से तो मंडल सर नमस्कार नमस्कार नीरज जी और नमस्कार टू योर व्यूअर्स एज वेल गुड मॉर्निंग सर सीधे पॉइंटेड हम लोग बात करते हैं आप जैसे हम लोगों को ये दर्शकों निवेशकों को ये समझाइए कि एसेट क्वालिटी में बहुत मैसिव डिटेरिएशन आया क्यों देखिए एसेट क्वालिटी में क्या हुआ है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आप देखते हैं तो पंद्रह से बीस बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है और Uh, जो क्रेडिट uh, कॉस्ट है वो हमारा नेगेटिव है सो ओवरऑल फॉर द फुल ईयर क्रेडिट कॉस्ट इज नेगेटिव फॉर द बैंक विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ इस क्वार्टर में हम लोग का क्या हुआ कि एक अकाउंट सत्तर करोड़ का एक अकाउंट स्लिपेज हुआ है वो हमारे वॉचलेस में भी नहीं था तो uh, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उस अकाउंट में हम लोग इस साल में उसको रेगुलराइज कर लेंगे uh, और वो उसका इम्पैक्ट क्या है कि हम लोग पच्चीस परसेंट का प्रोविजनिंग uh, लेते हैं और जो अठारह करोड़ आता है और उसके साथ दो परसेंट का दो दो, दो करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल ले लेते हैं तो बीस करोड़ का जो इम्पैक्ट आया है उसी का नतीजा जो आप जो देख रहे हैं ग्रॉस एन पी एन एट एन न्पने पी एम में से बीस, बीस जो डिफरेंस आया है और प्रोविशन कवरेज में पाँच छः परसेंट का जो चेंज आया है उसके लिए आया है इफ़ यू टेक दैट आउट बाकी रिजल्ट में काफ़ी कुछ पॉजिटिव है डिपॉजिट ग्रोथ एसेट ग्रोथ ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट स्टिल नेगेटिव फॉर द फुल ईयर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज लुकिंग गुड और हमारा फीस इनकम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और ये सिंस इट इज अ वन ऑफ अकाउंट जो ऐसे रेगुलराइज हो जाएगा इस साल में अगला साल में हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हम लोग 10 बेसिस पॉइंट का नीचे रखेंगे और ग्रॉस और नेट एनपीए जो हम लोग का क्वार्टर 3 तक था विच इज बिटवीन 1.3 टू 1.4 ऑन ग्रॉस एंड बिटवीन 0.3 टू 0.4 ऑन नेट उसी का हिसाब से हम लोग uh, चल रहा है अगला साल का एस्टिमेट तो so, ज्यादा कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं इसका हम लोग uh, इसको रेगुलराइज कर लेंगे अगले साल में और ये साल में FY25 में ओके पुलिस सर ये आपने कहा कि वन ऑफ था सत्तर करोड़ के अकाउंट तो मैं नाम नहीं पूछूं कौन सी कंपनी लेकिन वो वन ऑफ इवेंट में ही आ गया या सीम कर रहा था वो या किस सेक्टर से ये तो आप लोगों को आइडिया बताइए हाँ ये क्या है मैं आपको आ, हम लोग क्या करते हैं ना टॉप ट्वेंटी अकाउंट्स जो हम लोग मॉनिटर करते हैं वो ये अकाउंट में था भी नहीं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रीजनस है सडनली uh, आ गया ये हम लोग का uh, तीन चार हफ्ता पहले ये पता भी नहीं था uh, फिर हम लोग लास्ट क्वार्टर गाइडेंस में भी दे देते दे 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 थे क्योंकि हम लोग काफ़ी कॉन्जर्वेटिव है इन टर्म्स ऑफ एन पी एज वेल एज हम लोग डिस्क्लोजर भी दे देते हैं अर्ली डिस्कलोजर दे देते दे हैं तो ये हम लोगों को पता भी नहीं था और ये टेक्निकल है ये हम, हमारा ख्याल से ठीक हो जाएगा तो ये हमारा टॉप ट्वेंटी नहीं था इसलिए कॉन्फिडेंस काफी है कि ये साल में ये हम लोग रेगुलराइज कर लेंगे ज्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से ओके तो ये एक वन ऑफ था और आगे नहीं होगा ऐसा सर अच्छा सर मुझे ये थोड़ा सा लोन बुक में हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट में जो आपका क्वार्टर क्वार्टर अभी भी कम है हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है क्वार्टर क्वार्टर स्टिल कॉरपोरेट लेंडिंग कम है गोल्ड लोन भी थोड़ा सा कमी हुआ है क्या चक्कर है सर देखिए ओवरऑल आपका हमारा जो आ, आ, एसेट ग्रोथ हुआ है वो अठारह परसेंट के आसपास हुआ है हुँ. और डिपॉजिट ग्रोथ 21 परसेंट के आसपास हुआ है दोनों ही मार्केट से काफी ऊपर है लेकिन होलसेल में हम लोग क्या किया जो डायरेक्ट असाइनमेंट दिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं हम लोग उसी का थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में उसी के हिसाब से डीए ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फ्रेंचाइज ट्रांजैक्शन वो टैक्टिकल बुक बाइंग होता है वो हम लोग नहीं किया वो हमारा होलसेल के अंदर आता है और एल में हम लोग नहीं किया क्योंकि रेट जो मार्केट में चल रहा है उसी में हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि वो फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं है हमारे लिए अभी इसलिए होलसेल में थोड़ा कम आया है ऐसे में भी हम लोग अट्ठाइस परसेंट ग्रो किया रिटेल में हम लोग का ग्रोथ अच्छा हुआ और गोल्ड हम लोग धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का भी डिमांड है कि हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है उसको पूरा पूराज करें तो हमारा ओवरऑल बिजनेस वीक जो एस बी एस ट्वेंटी थर्ट डिविजन का जो है उसमें उसका हिसाब से ग्रेजुअली गोल्ड हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे क्योंकि हमारा गोल्ड फोर्टी सेवन फोर्टी एट परसेंट के आसपास है लेकिन गोल्ड का ग्रोथ जो है वो चलता रहेगा लेकिन बाकी जो बिजनेसेस है उसका ग्रोथ हम लोग और बढ़ाएंगे एंड हेंस हमारा मिक्स मोर बैलेंस रहेगा ये ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है और उसी का हिसाब से आप जो देख रहे हो कर रहे होलसेल के बारे में एक चीज मैं बना बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक बढ़िया लीडरशिप टीम हायर किया है वो आके हम लोग का होलसेल बिजनेस जो है उसका विजन बढ़ा रहा है और अगला दो साल में हमारा आप देखेंगे जो एस एम भी आप देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है होलसेल में भी दो साल के अंदर आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ आने वाला है उसमें भी तो ओवरऑल बैलेंस होलसेल एस रिटेल और गोल्ड का एफ आई ट्वेंटी सिक्स ऑनअर्स आप देखेंगे और अभी अभी भी थोड़ी और एक दो साल गोल्ड का मिक्स ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर ही रिटेल बनेंगे आ, फाइनली तो ट्वेंटी सिक्स ऑनवर्ड्स अब देखेंगे बैलेंस मिक्स बिटवीन होल रिटेल एस और गोल्ड और भी बेटर रहेगा ओके सर कोई एक्विजिशन का भी प्लान है क्या अभी एक्विजिशन का प्लान हम लोग तो नहीं बता सकते हमारा बैंक का तो कोई प्लान है नहीं है। और हमारा पूरा ग्रोथ प्लान जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान के ऊपर है इसलिए हम लोग का जो सिस्टम है हम लोग जो लिया है कोर सिस्टम और अकल से और, और अकल अफ्साउजेल हम लोग जो ले रहे हैं आप जो एक्विजिशन का शायद इशारा कर रहे हैं ये लोगों का कोर्स सिस्टम अलग है तो हमको पता था तो हम लोग कोई कोर सिस्टम लेते थे ना तो हमको तो पता नहीं है क्या आ रहा है हमारा जो इन्वेस्टिंग कंपनी है फेयरफेक्स उसका आ, आ, मन में क्या चल रहा है हम लोग नहीं बोल सकते हैं लेकिन हमारा बैंक में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिकली बैंक ग्रो करने के लिए और एफ आई ट्वेंटी थर्टी तक हम लोग मिड सेक्टर बैंक का जो कैटेगरी है उसमें पहुंच जाएंगे ये पूरा उम्मीद है ओके okay, तो ये है सी एस बी बैंक के ग्रोथ प्लान से आगे प्लान सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू नीरज जी थैंक यू सरवी सी एस बी बैंक पर आपकी एक टेक्निकल राय चाहिए जी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन रहा है अब और अब देखिए कल आई थिंक ऑलरेडी फ्राइडे को कहीं किसी को पूर्वाभास बाजार में रहता है तो चार पाँच टका उसी दिन गिर गया था आज भी थोड़ा गिर गया तो हाई से तकरीबन दस नीचे आ गया है बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पैटर्न यहाँ पे अच्छे हैं नो uh, डाउट no और मेरे हिसाब से आई uh, थिंक uh, एक बार तो ये हर्डल आया है चार सौ बीस का बट uh, मुझे लगता है कि ब्रॉडली नेक्स्ट दो चार दिन में कहीं अगर बेस बनता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ ऑफ कहीं निकलना चाहिए एक बार ये न्यूज पचा ले बाजार तो आई थिंक नेक्स्ट लेग ऑफ ऑफ निकलना चाहिए और चार सौ बीस का एक बार रिटेस्ट होगा जिस दिन ब्रेकआउट हो गया आई थिंक बहुत ऊपर के अच्छे लेवल्स आएंगे बट मे uh, बी एक से तीन महीने लग सकते हैं उसमें इन द मीन टाइम मुझे लगता है तीन सौ चालीस से लेकर चार सौ बीस की रेंज रहेगी यहाँ पे बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें